यूपी के कन्नौज जिले में अराजक तत्वों ने एक बार फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। अराजक तत्वों ने ताल ग्राम थाना क्षेत्र के रसूलाबाद गांव में मंदिर के हवन कुंड में गौवंश का कटा सिर व खाल फेंकी। सुबह तड़के मंदिर पहुंचे पुजारी ने मांस देख पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में मांस को हटवाया। मांस फेंके जाने की जानकारी मिलते ही मंदिर पहुंची हिंदू संगठनों की भीड़ ने कुछ जगहों पर रखी मुर्गे की दुकानों में आग लगाकर जमकर हंगामा किया। नाराज लोगों की मांग थी कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। हालात तनावपूर्ण होते देख डीएम एसपी मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल लेकर पहुंच गए। पुलिस अधीक्षक राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि माहौल खराब करने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जल्द आरोपी पुलिस हिरासत में होंगे। विराट 24 के लिए कन्नौज से ज्ञानेन्द्र दुबे की रिपोर्ट। ग्राम का आज क्या मामला सामने आया, उसमें क्या कहना चाहेंगे? इसमें ऐसा है कि आज प्रातःकाल सूचना प्राप्त हुई थी कालीग्राम गाँव में एक जगह आपत्तिजनक वस्तु रखने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस को तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पहुँच गया, तत्काल उसको यहाँ से हटवाया गया और उसके बाद विधि कार्रवाई की जा रही है। आईआरसीटीसी करते हुए कुछ लोगों ने इसमें रोड जाम करने का प्रयास किया था, जिसको जो है उनको बुझा के साथ कर दिया गया और मौके पर मैं जिलाधिकारी कन्नौज साहब दोनों मौजूद हैं। विधि कार्रवाई मनी की जारी है।